दोस्तों, जिस तरह से बहुत बड़ी मेजॉरिटी से नरेंद्र मोदी जी पूरे इंडिया में जीते हैं, बिल्कुल उसी तरह हमारे स्टेट के सीएम वाईएस जगन हमारे स्टेट में उतनी ही बड़ी मेजॉरिटी से जीते हैं। और दोनों की भी गोदी मीडिया है, मतलब मोदी जी की मीडिया में सिर्फ मोदी मोदी जैसे किया जाता है, बिल्कुल उसी तरह वाईएस जगन की मीडिया में भी सिर्फ जगन जगन ही किया जाता है। लेकिन फिर भी इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो फ़र्क ये है कि नरेंद्र मोदी जी की मीडिया कभी भी ये नहीं बताती कि वो मोदी मीडिया है, वो निष्पक्ष होने की एक्टिंग करके मोदी जी की तारीफ करती रहती है, तो लोगों को ये बात पता नहीं चलता, इसलिए धोखे में आ जाते हैं। लेकिन वाईएस जगन की जो गोदी मीडिया है वो ओपनली बता देते हैं कि भाई साक्षी जो चैनल है वो हमारा चैनल है, और ऊपर एक लोगो भी रखा हुआ होता है वाईएस राजशेखर रेड्डी साहब का, ओपनली दिखा दिया जाता है कि वो वाईएस जगन का चैनल है और उसमें सिर्फ वही काम दिखाए जाएंगे जो वाईएस जगन ने सेठ के लिए किए। तो इसमें कुछ भी छुपा कर नहीं किया जाता, डायरेक्टली ओपनली बोलकर ही दिखाया जाता है कि भाई ये वाईएस जगन का चैनल है, उन्हीं के बारे में इसमें दिखाया जाएगा, तो इसमें कोई चीटिंग नहीं है। तो जो भाई साक्षी चैनल देखना चाहता है वो देख सकता है, या छोड़ना चाहे तो छोड़ सकता है। लेकिन मोदी जी की जो मीडिया है उसमें कभी भी ये नहीं बताया जाता कि वो मोदी मीडिया है, वो निष्पक्ष होने की एक्टिंग करके मोदी जी की तारीफ करते रहते हैं। जो मुद्दे मोदी जी के अगेंस्ट हो वो बिल्कुल भी नहीं दिखाते, और जो मुद्दे मोदी जी को फेवर करते हों उसे बड़ा चढ़ा के दिखाते रहते हैं। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान डर गया मोदी से, इमरान कांप गए मोदी से। लेकिन भारत में जो गरीबी बढ़ रही है, जो बेरोज़गारी बढ़ रही है, जो महंगाई बढ़ रही है, इसको नहीं दिखाएंगे, क्योंकि अगर इसको दिखाया गया तो ये मोदी जी के लिए नेगेटिव पॉइंट है, हो सकता है उसकी वजह से कुछ वोट्स कम हो जाए। इसीलिए ज़्यादातर इन मुद्दों को गोदी मीडिया छुपाकर सिर्फ पाकिस्तान के मुद्दे ही दिखाती रहती है कि पाकिस्तान कैसे डर गया, इमरान खान कैसे कांप गया, मोदी जी ने पाकिस्तान में घुस के मारा, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी ने पाकिस्तान को धूल चटा दी। तो ये मीडिया बिना बताए मोदी जी का काम करती रहती है। लेकिन हमारे स्टेट की जो वाईएस जगन की मीडिया है ये खुल्लम खुल्ला लोगो लगाती है अपना कि ये हमारा चैनल है भाई, इसमें सिर्फ वही काम दिखाए जाएंगे जो हमारी पार्टी ने किए हैं। तो इससे इंसान धोखे में नहीं आता, ये एक प्रचार की तरह है। लेकिन जो गोदी मीडिया करती है वो एक धोखा है। तो गाइस, हम उम्मीद करते हैं कि भगवान ने जो दिल वाईएस जगन को दिया है, भगवान वही दिल मोदी जी को भी दे, ताकि नरेंद्र मोदी जी भी खुल्लम खुल्ला ये बता दे कि वो जो मीडिया है वो उनकी मीडिया है और सिर्फ उन्हीं की तारीफ करेगी, ताकि लोग जिस चैनल को देखना चाहेंगे देख सकते हैं, या जिस चैनल को छोड़ना चाहे वो छोड़ सकते हैं, जनता की अपनी मर्जी होगी। लेकिन निष्पक्ष होने की एक्टिंग करके इनडायरेक्टली मोदी जी को चढ़ा के दूसरी पार्टीज को उतारना, ये जनता के माइंड के साथ एक धोखा होगा। थैंक यू सो मच गाइस।